हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने तक तकरीबन मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। मेरी लास्ट वीडियो थी बकराईद वाली, जो मंडी गए थे यहाँ घुमाने में, तो कुछ प्रॉब्लम थी और टाइम भी नहीं था। और अगस्त में आपके भाई की थी बर्थडे, क्या गिफ्ट मिले। खैर, इस सब के बाद जो अब थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, हमने सोचा कि दोबारा आके अपने चैनल में थोड़ी सी कुछ अपलोड कर दें तो आपके खिदमत में दोबारा हाजिर है। और अब फिलहाल हमें आज जाना है गोल्डन मार्केट। मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी होने वाली है, उसको बोला भाई मुझे घड़ी खरीदनी है, अच्छी, सस्ती, टिकाऊ टिकाऊ। तो जो दोस्त है जिसकी शादी है वो ये खड़ा हुआ, इसको ले ली घड़ी। जबकि मैंने बोला कि आपको घड़ी मिल जाएगी तो फिर वो भाई, तो मैं कायल नहीं हूँ ससुराल वालों से चीजें लेने के लिए। मैं कुछ लोग हैं ऐसे जो चीजें ले लेते हैं। मैं नहीं तो तुझसे बैग नहीं उठ रही ये फिर। यार देखो, हमने घड़ी ली है 7-8 हज़ार रुपये की। दानियाल, कैसी फीलिंग थे घड़ी लेने के बाद आपकी? बहुत अच्छा लग रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है, लबे सीरी सा लग रही है। लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो हो रहा है। भाई देखो, मैंने घड़ी ले ली, इतने ले ली, इतने भी ले ली, घड़ी लाइटें बंद कर दो, सब लाइटें बंद कर दो, ये देखो बत्ती जलती है, उसने भी ले ली, वो रह गया गरीब है गरीब, वो रह गया घड़ी, और इसने नहीं है विधवा। तुमने घड़ी क्यों ली? ये बहुत महंगी दे रहे हैं, बहुत काले मार्केट वाले, और रेट ही कम नहीं कर रहे ना बिल्कुल भी। बोले जितने रेट उन्होंने दिए, हमने बोला भाई इतने इतने पैसे निकाल के रख दिए, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने बोला तुम्हारी आवाज आई नहीं होगी पता है। चलो जी, अल्लाह हाफिज। Love, 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 love